जलंधर की अदालत ने आज साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कत्ल के दोषी जगतार सिंह तारा नूं राहत दी है। जगतार सिंह तारा के वकील के एस सुंदर ने दस्सिया कि तारा नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेश किया गया। सुनवाई तो बाद उसनूं बरी कर दिता गया। पहला चर्चा से कि तारा नूं अदालत में लिया जाएगा, पर फिर तारा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई। दस दिए कि तारा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट और असला एक्ट तहत जलंधर देहात के गुराया थाने मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इस मामले में तारा नूं बरी कर दिता है। जगतार सिंह तारा के वकील के एस सुंदर ने दस्सिया कि साल 2012 च गुराया थाने तारा खिलाफ केस दर्ज होया सी। वी नूं अदालत च बहस हुई, जिस तों बाद अदालत ने अज सुनवाई हुई है। अज तारा नूं अदालत विच बरी कर दिता है। तारा दे बरी होण ते जलंधर दे सिख जथेबंदियां ने खुशी दा प्रगटावा किया। दस दिए कि 21 जनवरी 2004 की अद्धी रात नूं बुड़ैल जेल की बैरक नंबर 7 विच बंद पंजाब के साबका मुख्यमंत्री मरहूम डॉक्टर बेअंत सिंह कतलकांड के मुलजम जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भ्योरा, उन्होंने रसोई और देव सिंह देवी कतल केस च शामिल सन। दोषी ने टॉयलेट सीट को उखाड़ के बैरक के अंदर 94 फुट लंबी सुरंग पट्टी से। इस सुरंग में एक समय सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है। सुरंग पुरते समय इधर उधर मिट्टी को डिगण तो रोकने लिए दोषी इस मिट्टी पा देंगे। बुड़ैल जेल के कंध तक सुरंग पट्टी गई थी, जिस तक पहुंचने तो बाद मुलजम कंध टप के फरार हो गया। सो दस दिए कि इस सुरंग में एक समय सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। सुरंग पुरते समय इधर उधर मिट्टी को डिगण तो रोकने लिए दोषी इस मिट्टी पा देंगे सन। बुड़ैल जेल के कंध तक सुरंग पट्टी गई थी, जिस तक पहुंचने तो बाद मुलजम कंध टप के फरार हो गया। सो दस दिए कि मुलजमान ने खेतों वाल जाती सुरंग का मुंह खोलिया होया सी। उत्थों निकल के 15-20 पौड़ियों की दूरी पर पहुंचे, कंध टप के भज गए। कंध के शीशे टुकड़े सन, पर मुलजम उन्होंने कपड़े नाल ढक के फरार हो गए।